गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे टैक्स फंक्शन। टैक्स फंक्शन का मींस क्या होता है गाइस? टैक्स के ऊपर कोई भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है, कोई भी डेटा है आपका, टैक्स डेटा जो आप रिट्रीव कर रहे हैं या शो करा रहे हैं, उसमें कुछ चेंज ओवर करना है या सही से वो डेटा वर्क नहीं कर रहा, तो हम उसे यूज कैसे कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज का टॉपिक है हमारे टैक्स फंक्शन, जिसके अंदर की हम ये सारे टैक्स फंक्शन यूज करेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है गाइस, बहुत अच्छे फंक्शन है जो आप यूज करेंगे तो आपके लिए आपके वर्क में काफी हेल्पफुल रहेंगे। ओके गाइस, अगर गाइस आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिससे कि आपको आपके जो भी हमारे नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, जो भी हमारी लेटेस्ट अपडेट वीडियोज है आपको जल्दी मिल जाए। ओके गाइस, चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं आपका आज का टॉपिक टैक्स फंक्शन। ओके गाइस, देखिए गाइस, टैक्स फंक्शन में सबसे पहले क्या है, ट्रिम फंक्शन है। ट्रिम का मींस क्या होता है गाइस? कोई भी आप डेटा यूज कर रहे हैं और उस डेटा में अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी स्पेस है, जैसे कि मैं हम कुछ टाइप करते हैं कई बार मिडिल में डबल स्पेस आ जाता है, स्टार्ट में स्पेस कर दिया, लास्ट में स्पेस कर दिया, लेकिन जब हम उसी डेटा को सर्च कराते हैं या कुछ और यूज करते हैं किसी और फंक्शन में, अगर डेटा हमें सेम नहीं मिलता गाइस तो क्या होता है कि वो वर्क नहीं कर पाता, ठीक है ना? तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रिम फंक्शन का यूज करना पड़ता है। जैसे कि आपको गाइस मेरे डेटा में दिख ही रहा है, जैसे राहुल यादव लिखा है, इसके बीच में डबल स्पेस है या ज्यादा स्पेस है, यहाँ प्रिया मेहरा लिखा हुआ है, यहाँ पर भी स्टार्ट में स्पेस है, पूजा में भी स्टार्ट में स्पेस है, कुछ इस टाइप का मेरा डेटा है। मैं चाहती हूँ ये सारा स्पेस हट जाए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, इक्वल ट्रिम लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे गाइस, और यहाँ पे इस डेटा को चूज कर लेंगे। ओके गाइस, चूज कर लिया और के एंटर, ये यूज हो गया गाइस। यहाँ पे गाइस बाद में स्पेस था, बाद का स्पेस हट गया। अब मैं इसी फंक्शन को अगर गाइस ड्रैग कर देते हैं तो देखो गाइस सारा स्पेस हट गया। यहाँ पे राहुल यादव में डबल स्पेस था, सिंगल स्पेस हो गया। यहाँ पे देखो गाइस प्रिया मेहरा में स्टार्ट में स्पेस था, पूजा में स्टार्ट में स्पेस था, ये सारा स्पेस हट गया गाइस। तो इस टाइप से गाइस हम क्या करते हैं, ट्रिम फंक्शन को यूज करते हैं। ओके, ऐसे ही गाइस यहाँ पे लेंथ फंक्शन होता है। लेंथ का मींस क्या होता है, किसी भी डेटा की लेंथ काउंट करना। जैसे मैंने अगर ये चूज किया कि मेरे को यहाँ पे ये प्रिया मेहरा लिखा हुआ है, इसकी लेंथ कितनी है डेटा की, वो चेक करना है, तो हम क्या करते हैं, लेंथ का फंक्शन यूज करते हैं। ओके, लेंथ का फंक्शन गाइस, इसमें स्पेस भी काउंट होता है। अगर आप कोई डेटा चूज कर रहे हैं और उसमें स्पेस है तो वो क्या करेगा गाइस, स्पेस भी काउंट कराएगा। ओके, जैसे यहाँ पे ये राहुल यादव लिखा हुआ है, राहुल में कितने कैरेक्टर है गाइस, 5 कैरेक्टर है, और यादव में भी 5 कैरेक्टर है, यानी कि टोटल कितने हो गए, 10 कैरेक्टर्स हो गए और एक स्पेस है, यानी कि 11 कैरेक्टर हो गए। तो गाइस देखिए यहाँ पर ऊपर भी गाइस सेम मैटर है, तरुण यादव, तरुण वर्मा है, तरुण में भी 5 कैरेक्टर्स है, वर्मा में भी 5 कैरेक्टर्स है, टोटल 10 हो गए और एक स्पेस 11 हो गए। एक गाइस स्पेस लगाया और मैंने एल ई एल लगाया, लेंथ के लिए पूरा नहीं लिखना होता, एल ई एल लेंथ फंक्शन होता है। टेक्स्ट चूज किया और एंटर कर दिया, देखिए गाइस 11 स्पेस आ गया ना, 11 कैरेक्टर्स आ गए, 5 5 10 और 1 11। ओके, अब इसे गाइस आप ट्रैक कर देंगे तो ये इसके सभी का निकाल के दिखा देगा, देखिए गाइस शो हो गया गाइस। तो इस टाइप से हम यूज करते हैं। ओके, अगर गाइस आपको यहाँ पे अपर केस फंक्शन होता है, जैसे हमने डेटा लिखा भी, ये सारा मेरा स्मॉल में डेटा है और मैं चाहती हूँ ये कैपिटल में यूज हो जाए, तो हम इधर क्या करते हैं गाइस, अपर का फंक्शन लगाते हैं। तो इधर अपर लगाया गाइस और ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया मेरा, और यहाँ से इस डेटा को चूज कर लिया गाइस कि ये वाला डेटा है मेरा, तो इसे क्लिक करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देखिए गाइस सारा कैपिटल में हो गया, ठीक है ना? तो ऐसे ही आपका फॉर्मूला क्या होगा गाइस, ये सारा कैपिटल में आ गया डेटा। अब आप इसे जब ड्रैग करेंगे गाइस तो ये सारा डेटा जो है आपका कैपिटल में कर देगा। अगर गाइस आप चाहते हैं कि ये वाला डेटा आपका यूज हो जाए यहाँ पे, या फिर ये जो आपका डेटा था, ये डेटा आपका प्रॉपर ये जो डेटा है आपका ट्रिम करके मैंने स्पेस दिया है, इस डेटा को यहाँ पे यूज कर दूंगा, तो गाइज कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कॉपी करना है गाइज, क्योंकि इस वाले डेटा में गाइज यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर मैं इस डेटा को यूज करूंगी तो गाइज ये फॉर्मूला यूज होगा। मैं चाहती हूँ कि ये जो डेटा है मुझे ये डेटा यूज करना है, फॉर्मूला यूज नहीं करना, तो गाइज कुछ नहीं करना, आप इसे कॉपी कर लीजिए और इस डेटा के ऊपर सेलेक्ट करिए, और सिलेक्ट करके यहाँ पे आप पेस्ट में गाइस जाएगा। इस पेस्ट में मैंने आपको बताया हुआ था पेस्ट वैल्यू। ओके, तो गाइस यहाँ पे पेस्ट वैल्यू ऑप्शन होगा, पेस्ट स्पेशल में जाकर गाइस आप यहाँ पे पेस्ट वैल्यू कर दीजिए, तो सिर्फ इसकी वैल्यू पेस्ट हो जाएगी गाइस, ये देखिए गाइस वैल्यू पेस्ट होगी।
ओके तो अब आप इस फॉर्म इस डेटा को यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो डेटा था प्रीवियस जिसमें स्पेस वगैरह यूज था वो स्पेस हट गया गाइस, अब यहाँ पे क्या हो गया आपके पास विदाउट स्पेस डेटा आ गया। तो इस टाइप से हम अपना डेटा चेंज कर सकते हैं। सेम आप इधर भी कर सकते हैं गाइस, अगर आपको कहीं पे ये वाला डेटा जैसे कि मैंने कैपिटल में कर दिया तो इसको यूज करना है तो आप इसे कॉपी करिए और डेटा को पेस्ट वैल्यू कर दीजिए, तो उसके क्या होगी गाइस वैल्यू पेस्ट हो जाएगी। सेम टाइप से गाइस यहाँ पे लोअर होता है, लोअर का मीन्स क्या होता है इसको स्मॉल लेटर्स में करना है। लोअर ब्रैकेट स्टार्ट किया, चूज कर लिया गाइस डेटा, देन एंटर कर दिया। ओके गाइस ब्रैकेट बंद करना ना करना ऑप्शनल होता है, एक्सेल में वो ऑटो कंप्लीट कर देता है फॉर्मूले को, तो अगर आप ब्रैकेट क्लोज नहीं भी करेंगे तब भी वो फॉर्मूला वर्क कर जाएगा। ओके गाइस तो यहाँ पे गाइस हमने इसे यूज कर दिया, कैसे देखिए ड्रैग कर दिया तो अब क्या है आपका गाइस यहाँ पे शो हो गया, सारा हो गया गाइस, ये सारा डेटा कैपिटल में था सारा स्मॉल में हो गया। ऐसे गाइस यहाँ पे कोड फंक्शन होता है, आपको पता होगा गाइस, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि कंप्यूटर में जो भी वर्क हम करते हैं जितना भी डेटा हम ऐड कराते हैं गाइस वो सब डेटा का कोई ना कोई कोड होता है। मैं ए लिख रही हूँ इंटरनल मेमोरी में, इसका कोई कोड है। मैं वाई लिख रही हूँ, नंबर्स लिख रही हूँ मेमोरी में, जब ये मशीन पे जाता है तो इसका कोई ना कोई कोड होता है। तो गाइस कोड फंक्शंस क्या होता है पर्टिकुलर डेटा का कोड चेक करने के लिए कि ये कोड सही है या नहीं। तो गाइस यहाँ पे हम इसमें कोड लगाते हैं, ठीक है ना, कोड लगाया ब्रैकेट स्टार्ट करके। अब गाइस ये टेक्स्ट पूछ रहा है, हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाया, अब टेक्स्ट डाल दीजिए। गाइस मैं ए का ही आपको कोड दिखाती हूँ पहले, तो हमने ए लिखा और एंटर कर दिए। देखिए गाइस 97 क्या है, ए का कोड है, ठीक है ना। अगर मैं इधर कंप्यूटर पे स्क्रीन पर ए टाइप करती हूँ तो दैट मींस मेमोरी में वो क्या जाता है 97 नंबर पे जाएगा, तो ये इसका होता है गाइस स्काई कोड। ओके तो ऐसे ही सारे कैरेक्टर्स के गाइस में कोड होते हैं कोई ना कोई। लेकिन गाइस अगर आप यहाँ पे यूज करते हो, हमें पता है कि ए, ठीक है ना, हमें पता है कि ये जो हम ए लिख रहे हैं ये भी ए है और हम ये कैपिटल ए लिख रहे हैं ये भी ए है, दोनों ही ए है, ठीक है ना। लेकिन गाइस मेमोरी में दोनों ही डिफरेंट टाइप से डिफाइंड है। अभी मैंने गाइस क्या यूज किया था, यहाँ पर मैंने स्मॉल ए यूज किया था, तो ये क्या दिखा दिया इसका, जिसने कोड दिखा दिया 97। अगर मैं गाइस यहाँ पे कोड फंक्शन यूज करती हूँ और यहाँ पे मैं कैपिटल ए डाल देती हूँ तो गाइस इसका होगा 65 कोड। ओके गाइस तो ऐसे ही हम कोई नंबर टाइप करते हैं उनके भी सबके अपने अपने कोड होते हैं। अगर गाइस कोई आप डेटा चूज करते हो तो उस डेटा में क्या दिखाता है गाइस, पूरे टेक्स्ट का कोड नहीं दिखाता, सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर का ही कोड दिखाता है। देखो गाइस यहाँ पे हमने इसको लगाया, कोड लिखा और गाइस मैंने यहाँ पे ये प्रिया मेहरा लिखा, तो इसने क्या दिखा दिया, ये दिखा दिया गाइस 112। अब गाइस मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, अगेन मैंने कोड लिखा, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने पी लिखा, अब ये स्मॉल पी है तो गाइस मैंने स्मॉल पी ही लिख दिया, कैपिटल का अलग होगा। सॉरी गाइस इसमें देखो गाइस ये सेम आ गया, तो दैट मींस ये सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर का ही कोड दिखाता है, पूरे का नहीं दिखाएगा कि पूरा जो प्रिया मेहरा लिखा है उसका पूरे का दिखाएगा, सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर का कोड दिखाता है गाइस, बाकी कोई वो चेक नहीं करता। ओके गाइस अब इस फॉर्मूले को आप ट्रैक कर देंगे गाइस तो ये क्या करेगा, इसको आगे निकाल देगा। लेकिन गाइस यहाँ पे जो हमने यूज किया है वो फिक्स एक कैरेक्टर यूज किया है तो आगे का डेटा नहीं लेगा बिकॉज ऑफ रेफरेंस नहीं है। ओके अगर रेफरेंस होता तो वो ये गाइस ले लेता, जैसे यहाँ पे रेफरेंस यूज किया ना गाइस, तो इस फॉर्मूले को आप आगे ड्रैग कर लीजिए तो सबके फर्स्ट कैरेक्टर का वो रेफरेंस दिखा देगा, उसका फर्स्ट कैरेक्टर का कोड चेक करा देगा गाइस। ओके तो ये होता है गाइस इसमें कोड फंक्शंस। ओके ऐसे गाइस यहाँ पे होता है फिक्स फंक्शन। ओके गाइस फिक्स फंक्शन क्या करता है गाइस कि आपके डेटा को फिक्स करा देता है। ओके इक्वल लगाएंगे और हम इधर और फिक्स लिखेंगे गाइस, ये रहा फिक्स फंक्शन। ओके अब गाइस ये थोड़ा सा ट्रिकी है तो ये न्यूमेरिकल डेटा के लिए न्यूमेरिकल डेटा यूज करवा रहा है, लेकिन गाइज ये टेक्स्ट फंक्शंस के अंदर यूज होता है। अगर आप गाइज कोई भी न्यूमेरिकल डेटा लिखते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा, लाइक दिस टाइप्स ऑफ नंबर लिख दिया
और इसमें डेसिमल भी पॉइंट लगा दिया। ठीक है गाइज, ये मेरा नंबर है और गाइज मैंने यहाँ पे इक्वल लगाया। अब ये गाइज डेसिमल पॉइंट पूछ रहा है कि आपको डेसिमल पॉइंट कितने रखने हैं। मैंने कहा टू, यानी कि टू तक वो डेसिमल पॉइंट रखेगा। ओके गाइज, ये देखिए गाइज, ये क्या हो गया, ये इसने फिक्स कर दिया। अब गाइज अगर आप थोड़ा सा भी देखें या थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे मैं नंबर निकाल रही हूँ, निकलेगा इस कोड, तो ये सारे कहाँ जा रहे हैं, राइट अलाइन जा रहे हैं गाइज, जा रहे हैं ना राइट अलाइन। अगर मैं आपको नंबर टाइप करती हूँ टेंस में, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, मिलियंस में, तो गाइज ये क्या होता है कि ये नॉर्मल जैसे हम टाइप कर रहे हैं वैसे ही नंबर ले लेगा। देखो गाइज, ले लिया इसने ऐसे नंबर, लेकिन गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने नंबर को राइट नहीं किया, लेफ्ट कर दिया, दैट मीन्स इसको टेक्स्ट बना दिया। ठीक है, और इसके अंदर जो गाइज ये जो हमने डेटा लिखा हुआ है, थाउजेंड में डेटा है, थाउजेंड के बाद इसने क्या करा गाइज, कॉमा फॉर्मेट भी यूज कर दिया। तो ये क्या है, इसको फिक्स फंक्शन बना देता है, यानी कि जो आपका टेक्स्ट डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा है, उसे एज ए टेक्स्ट डेटा ट्रीट करवा देता है गाइज। क्योंकि जो भी हमारा न्यूमेरिकल डेटा होता है गाइज, वो सारा हमारा राइट लाइन होता है, लेकिन यहाँ पे फिक्स फंक्शन क्या कर रहा है गाइज, जो भी आपका न्यूमेरिकल डेटा है उसको एज अ टेक्स्ट डेटा ट्रीट करवा रहा है। ओके गाइज, तो इस टाइप से हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे आगे ड्रैग करेंगे गाइज तो ये लेगा नहीं, बिकॉज ऑफ हमने नंबर यूज किया है, तो इसलिए मैं इसे ड्रैग नहीं कर रही। अब गाइज यहाँ पर एक फंक्शन होता है प्रॉपर। प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, जैसे गाइज आपने कहीं भी कुछ मैटर लिख दिया, काफी सारा, एक पूरा सेंटेंस लिख दिया या कोई पैराग्राफ लिख दिया, अब वो पैराग्राफ में आपने क्या कर दिया, सारा कैपिटल में लिख दिया या सारा स्मॉल में लिख दिया, और आप चाहते हैं बाद में उसे चेंज ओवर हो जाए, जैसे एमएस वर्ड में तो ऑप्शन होता है गाइज, हम उसे केस चेंज कर देते हैं, तो केस चेंज में वो केस चेंज कर देता है अपना। लेकिन एक्सेल में कहीं पर भी कुछ ऐसा फंक्शन नहीं होता या कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि जो आप डेटा लिख चुके हैं उस डेटा को या उस टेक्स्ट ऑफ डेटा को एक प्रॉपर टाइप से चेंज कर दे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रॉपर फंक्शंस की हेल्प लेते हैं। गाइज यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे और प्रॉपर में क्या होगा गाइज, सारे वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देगा। ओके, और यहाँ पे अपना टेक्स्ट चूज कर लीजिए। देखिए गाइज मैंने नीचे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सारा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है गाइज, मैंने ये सारा कैसे क्या रहा है गाइज, ये सारा स्मॉल लेटर्स में लिखा है, तो मैंने इसे चूज कर लिया और चूज करके इसे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखिए गाइज ये पूरा मैटर इसने क्या करा गाइज, ये पूरा मैटर इसने प्रॉपर बना दिया, सारे वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। ओके गाइज, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं गाइज, प्रॉपर फंक्शन भी यूज कर लेते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है गाइज इसमें रिपीट फंक्शन। रिपीट का मीन्स क्या होता है, रिपीट मीन्स होता है किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना। जस्ट लाइक जैसे आपको मैंने कॉपी कमांड बताई थी, तो कॉपी कमांड में क्या था, किसी भी डेटा को हम कॉपी करते हैं और जब हम उस डेटा को पेस्ट कराते हैं, तो पेस्ट में हमें करना पड़ता है कि डेटा मुझे टू टाइम्स पेस्ट करना है, थ्री टाइम्स पेस्ट करना है, तो उतनी बार मुझे कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगी मेरी पेस्टिस्ट आएंगी। ओके, लेकिन रिपीट फंक्शन क्या करता है गाइस, कोई भी चीज आपको एक से ज्यादा बार यूज करनी है तो उस डेटा को वो क्या करता है, रिपीट करा देता है। देखिए गाइस इसमें आप टेक्स्ट ऑफ डेटा भी लिख सकते हैं, कोई सिंबल भी ले सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार कि हम जहाँ पे हम पासवर्ड पासवर्ड का प्लेस आते हैं वहाँ पे बहुत सारे डॉट 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 आ जाती है, जो भी आप पासवर्ड लगाते हैं उधर डॉट डॉट आते हैं, तो ऐसा ही कोई डेटा का गाइस आप चाहते हैं वहाँ पे स्टार स्टार का साइन आ जाए या फिर कोई भी सिंबल आ जाए, तो हम इधर रिपीट फंक्शन यूज करते हैं। ओके गाइस, रिपीट लगाया और इधर ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर देखिए गाइस ये टेक्स्ट बोल रहा है कि कौन सा टेक्स्ट आपको रिपीट करना है। आप अपने डेटा से कोई टेक्स्ट उठा लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये पूजा उठा लिया कि ये पूजा जो है मुझे रिपीट करना है। ओके गाइस, अब पूजा ठीक है, ले लिया इसने पूजा। अब गाइस ये बोल रहा है नंबर, हाउ मेनी टाइम्स ये रिपीट दिस डेटा, तो मैंने गाइस इधर चूज कर लिया थ्री टाइम्स। ओके, और इसे एंटर करा दिया। देखिए गाइस तीन बार पूजा पूजा रिपीट हो गया। ओके गाइस, तो इस टाइप से हम इसे रिपीट करा सकते हैं। अगर ये पूजा की जगह गाइज में यहाँ से पूजा ना लिखकर कोई सिंबल लगा देते हैं, तो गाइज हम सिंबल भी लगा सकते हैं। अब सिंबल के लिए क्या है गाइज, टेक्स्ट डेटा है तो आपको इन्वर्टेड कॉमा यूज करना पड़ेगा गाइज, और मैंने यहाँ पे ये स्टार का साइन लगा दिया। ओके गाइज, अब इसे एंटर कर दीजिए गाइज। देखिए थ्री टाइम्स स्टार रिपीट हो गया। ओके, तो इस टाइप से हम कोई भी सिंबल कोई भी टेक्स्ट रिपीट करवा सकते हैं, ये रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट होता है गाइस सब्स्टिट्यूट। ओके,
आप सब्स्टिट्यूट का मीन्स क्या समझते हैं कि सब्स्टिट्यूट मीन्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूट मीन्स होता है गाइस किसी के जगह पे किसी दूसरे डेटा को यूज करना, जस्ट लाइक ऑफ रिप्लेस कमांड। जैसे हम रिप्लेस करते हैं कि एक चीज को रिप्लेस करना है, उसकी जगह पे कुछ दूसरा लिखना है, हमें कुछ दूसरा डेटा लिखना है, तो हम क्या करते हैं रिप्लेस कमांड का यूज कर देते हैं। सेम वर्क गाइस आपका सब्स्टिट्यूट भी करता है। सब्स्टिट्यूट भी क्या करेगा कि जो भी आप डेटा चेंज कराना चाहते हैं उसकी जगह पे कोई दूसरा डेटा यूज कर देगा। ओके गाइस, देखिए गाइस यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट लगा रही हूँ फंक्शन। देखिए गाइस ये आ गया सब्स्टिट्यूट। ओके गाइस, देन यहाँ से ये पूछ रहा है कि आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना है, किस टेक्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। तो गाइस ये मेरा मैटर है, मैं इसी को चूज कर लेती हूँ, ठीक है ना। ये मैंने चूज कर लिया, अब इसके अंदर ये पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है एक्सेल प्रॉपर फंक्शन के कन्वर्ट। ओके, तो ये लिखा है मैंने, इसको मुझे सब्स्टिट्यूट करना है इसमें। अब गाइस आपसे पूछ रहा है ओल्ड टेक्स्ट बताइए, ओल्ड मतलब कि जो आपको चेंज करना है वो बताइए। मैंने क्या कन्वर्ट ले लेते हैं गाइस, कन्वर्ट की। ओके, कन्वर्ट ले लेते हैं कि इस लाइन में से मुझे या सेंटेंस में से मुझे कन्वर्ट जो है उसको चेंज करना है। ओके गाइस, इन्वर्टेड कॉमा में डालना है क्योंकि टेक्स्ट डेटा है। देखिए गाइस स्पेलिंग देख लीजिए थोड़ा, ठीक है। ओके, अब इसे इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए और फिर यहाँ पर अब गाइस इसके बदले न्यू टेक्स्ट क्या चाहते हैं। मैंने कहा चलिए कन्वर्ट की जगह मुझे चेंज लिखवा दीजिए। तो ये चेंज हो गया, ओके चेंज लिखवा दीजिए, चेंज आ गया कन्वर्ट की जगह इधर चेंज। गाइस ये टेक्स्ट डेटा है, प्लीज याद रखिए कि इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, चेंज लिख दिया। ओके गाइस, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। देखिए गाइस यहाँ पे क्या लिखा है मिडिल में, कन्वर्ट लिखा है और यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया गाइस, यानी कि कन्वर्ट की जगह पे मेरे को चेंज लिखवाना था तो मैंने इधर चेंज लिख दिया, तो गाइस ये चेंज आ गया। ओके गाइस, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसमें गाइस पूरा सेंटेंस भी हो सकता है, कोई एक प्रॉपर वर्ड भी हो सकता है। ओके गाइस, अगर गाइस अब इसमें एक चीज और देखिए गाइस, अगर इसमें ये जो है कन्वर्ट वर्ड एक से ज्यादा होता, सपोज देख ये कन्वर्ट वर्ड एक से ज्यादा होता, ठीक है ना, एक बार दो बार तीन बार, तो गाइस हम किसको करते कन्वर्ट, ठीक है ना, हम उसका प्लेस भी दे सकते हैं। देखिए गाइस अभी मैं इधर से एक कैरेक्टर कन्वर्ट करके दिखा रही हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं गाइस, ये देखो गाइस हमने इसे चूज किया। अब मेरे को इधर कुछ एक चलिए गाइस, ये देखिए गाइस कौन कनेक्ट लिखा हुआ है, मैं इसी को उठा रही हूँ टेक्स्ट को और यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम। ओके देखिए गाइस ये फंक्शन है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ओके अब मैं इधर चेक कर रहे हैं गाइस, हमने इधर इक्वल लगाया और सब्स्टिट्यूट लगाया। ओके गाइस पहले ये मैटर ले लिया कि इसमें मुझे चेंजेस करना है, ठीक है। अब बताइए गाइस क्या चेंज करना है इसमें। गाइस तीन चीजें रिपीट हो रही है, एक तो सी भी रिपीट हो रहा है, ए भी रिपीट हो रहा है और ई भी रिपीट हो रहा है, टी भी रिपीट हो रहा है। ओके तो हमने चलिए गाइस हम ले लेते हैं, मैंने क्या चलिए मुझे यहाँ पे जरा है टी को चेंज करके बताइए। गाइस कुछ अजीब वर्ड हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ चेंज करके बता रही हूँ, ठीक है। अब बताइए गाइस टी को किस लेटर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या चलिए एस में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके ठीक है, एस में कर देगा ये कन्वर्ट। ओके देन एंटर। देखिए गाइस इसने क्या करा, दोनों टी चेंज कर दिए गाइस। इधर देखिए गाइस यहाँ भी टी था, ये भी टी था, इसने दोनों ही टी की जगह एस कर दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ दोनों को नहीं करना। ओके गाइस दोनों को नहीं करना, तो इस पे हम क्या करेंगे गाइस, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ओके गाइस चेंज में मिस क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो मैंने एस लिखा है गाइस, इसके बाद हम इसका प्लेस भी दे देंगे। फर्स्ट वाला करना है या सेकंड वाला करना है, मैंने क्या सेकंड वाला करना है, फर्स्ट वाला नहीं करना। देखिए गाइस सेकंड डाल दिया मैंने इसे, तो देखिए गाइस फर्स्ट वाला इसने टी नहीं चेंज किया, सेकंड वाला चेंज कर दिया। तो गाइस हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है, तो हम चाहते कोई एक पर्टिकुलर डेटा हो या कोई पर्टिकुलर प्लेस ऑफ डेटा हो तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बट गाइस एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर आपका टी सेकंड नंबर पर ही होगा तो टी ही चेंज होगा,
ठीक है ना। अगर हमें चाहती मेरे पास 3 4 5 लिखे हुए हैं, तो आप उसको प्लेस प्रॉपर दे दीजिए तो प्रॉपर प्लेस को यूज करवा देगा। ओके गाइस, ऐसे ही गाइस इसमें होता है एक सर्च फंक्शन। ओके गाइस, सर्च का मींस क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, सर्च मींस ढूंढना, कोई भी चीज ढूंढना आपको, ठीक है ना। तो हम सर्च फंक्शन यूज करते हैं गाइस इसमें। सर्च में क्या होता है, कोई क्या आपको सर्च करना है, क्या चीज आपको ढूंढनी है इसमें से, कोई भी डेटा है आपका, इसमें से क्या ढूंढना है आपको। तो गाइस हम यहाँ पे क्या करते हैं, सर्च फंक्शन लगा देते हैं। जैसे आपका उसमें फाइंड फंक्शन होता है गाइस, सेम एज सर्च भी यूज करता है गाइस। इसमें दो फंक्शन सेम सेम है, एक तो सर्च और एक फाइंड। अब चाहे तो मैं इसमें फाइंड फंक्शन लगा दूं, चाहे तो मैं इसमें सर्च फंक्शन लगा दूं, मीन्स एक ही है। ओके, तो हम यहाँ पे सर्च लगा रहे हैं, सर्च ब्रैकेट स्टार्ट। ओके, अब आपको गाइज ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि आप फाइंड द टेक्स्ट, आप किस टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, हमने डाल दिया क्या फाइंड करना है। गाइज मैंने यहाँ पे ये वाला सेंटेंस ही यूज कर रही हूँ, इस टेक्स्ट सेंटेंस में से मुझे फंक्शन फाइंड करना है। ओके, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने इधर मैंने फंक्शन टाइप कर दिया गाइस। ओके, और कॉमा लगा दिया। इसके बाद विथ इन टैक्स, किस टैक्स में से फाइंड करना है, मैंने ये दे दिया, इस टैक्स में से फाइंड करना है। ओके, चलेगा इस फाइंड करके बता देगा, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया और उसने फाइंड कर दिया। कौन से नंबर पे गाइस, 14 नंबर पर। 14 का मीन्स क्या है गाइस, ये सारे कैरेक्टर्स को काउंट कर रहा है गाइस, ई एक्स, ये सब एक्सेल के 5 कैरेक्टर्स, एक 6 कैरेक्टर, प्रॉपर के 5 6 कैरेक्टर, 5 6 और 6, कितने हो गए गाइस, 12 हो गए। तो ऐसे ही ये क्या कर रहा है गाइस, एक एक कैरेक्टर को काउंट कर रहा है और बता रहा है आपका फंक्शन जो वर्ड है आपका वो 14 नंबर पर है। ओके गाइस, इस टाइप से वो 14 नंबर दिखा रहा है कि 14 नंबर पर है। अब गाइस अगर इसमें भी सेम सेम टाइप है गाइस, अगर दो होंगे, कोई भी दो फंक्शन दो सेम डेटा होगा, तो ये नंबर आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। लाइक ये सर्च उस पर्टिकुलर फाइंड वर्ड का गाइस ये नंबर दिखाता है कि किस नंबर पर है। मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मुझे यहाँ से एक फाइंड करना है। ओके, चलिए ए दिखा देगा। अब डेटा गाइस मैं ये वाला ले रही हूँ, कॉनकनेक्ट का फॉर्मूला ले रही हूँ, फंक्शन ले रही हूँ, टेक्स्ट ले रही हूँ। अब यहाँ से गाइस अगर मैं एंटर करती हूँ तो गाइस इसमें ए का कौन सा है, पहला वाला दिखा देगा ये गाइस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर पे है ए। अगर मैं इस फॉर्मूले को यहीं पे बंद कर देती हूँ तो गाइस यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 आ गया। ओके, लेकिन मुझे फर्स्ट वाला चेक नहीं कराना, अगर मैं चाहती हूँ मुझे फर्स्ट वाला चेक नहीं कराना, मुझे चेक कराना है सेकेंड वाला। तो गाइस सेकेंड टाइप कर दिया, वो भी फर्स्ट दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि गाइस सेकंड नंबर ये सिर्फ नंबर काउंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है आपको नंबर काउंट करके देगा। तो सेकंड नंबर पे तो इस पे क्या है, ओ है गाइस, ठीक है ना। तो ये यहाँ से भी सेकंड लेगा तो क्या करेगा, वो सेकंड नंबर पे नहीं जा रहा, यानी कि जिस नंबर पर भी आपको पहला कैरेक्टर मिला है उसके बाद आपको नंबर देना पड़ेगा कि आपको चेकिंग किस नंबर से करनी है, ठीक है ना। यानी कि पहला ए मेरा तो 5 नंबर पर है ही है, तो मैं इसको 5 नंबर के बाद दूंगी कि आप मुझे 6 से चेक करके बताइए। तो देखो गाइस 6 से उसने लिया, अब सेकंड ए कहाँ पर मिला, उसे 9 नंबर पर मिला, यानी कि फर्स्ट वाले को उसने स्किप किया जो 5 नंबर पर है, फिर उसने 6 नंबर से काउंट करना स्टार्ट कर दिया। अगर गाइस मैं यहाँ 5 नंबर भी डाल देती ना तब भी ये ए ही दिखाता, तो इसलिए मुझे 5 नंबर को स्किप ही करना पड़ा कि पहला जो ए लिखा है उसको उसका जो प्लेस है उससे स्किप करके सेकंड उसका लेटर डाल दीजिए या सेकंड नंबर डाल दीजिए, क्योंकि पहला ए मेरा क्या है 5 नंबर पे, इसलिए मैंने 6 नंबर पे डाला, यानी कि उसकी फाइंडिंग 6 नंबर से स्टार्ट हुई और उसको जो ए मिल गया कहाँ पे मिला, 9 नंबर पे मिला, इसलिए उसने क्या करा 9 आंसर शो कर दिया। ओके गाइस, तो इस टाइप से गाइस इसमें क्या कर सकते हैं, सर्च फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब गाइस यहाँ पर हमारे पास कुछ फंक्शन हैं और भी, ये भी हम यूज कर रहे हैं। देखिए गाइस यहाँ पे अब हमारे पास कॉनकनेक्ट फंक्शंस है। ओके, कॉनकनेक्ट फंक्शंस का यूज क्या होता है गाइस, काफी सारा जो डेटा आपका है अलग अलग है, उस सब डेटा को क्या करते हैं गाइस, मैंने यहाँ पहले फॉर्मूला निकाला हुआ था इसलिए मैं उससे हटा रही हूँ, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे हमने इसको यूज हटा रहे हैं,
मैंने इसको हटा दिया, देखिएगा ओके। तो ये क्या कर रहा है गाइस, यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसमें कॉनकनेक्ट फंक्शन यूज कर रहा है, यानी कि जो भी आपका स्ट्रिंग ऑफ डेटा होता है, टेक्स ऑफ डेटा होता है, वो सभी डेटा को एक साथ ज्वाइन कराना होता है। अगर कई बार गाइस आपके पास इस टाइप से डेटा है कि फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है, ओके गाइस, अब हम चाहते हैं पूरा नेम, फुल नेम एक साथ यूज करना है, ओके, फुल नेम एक साथ यूज करना है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ता है गाइस, कॉनकनेक्ट फंक्शन यूज करना पड़ता है। छोटा सा फंक्शन है लेकिन काम अच्छे करता है, ओके गाइस। यहाँ पे हमने लगाया गाइस कॉनकनेक्ट फंक्शन है, एक गाइस कॉन ले लिया और यहाँ पे गाइस हमने फिर से चूज कर लिया, ये लिया गाइस कॉमा दिस वन कॉमा दिस वन। अगर गाइस बार बार मैं कॉमा लगाऊंगी तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है ना, कि बार बार मैं डेटा चूज करूँ फिर कॉमा लगाऊंगी, इसको मैं आगे बताऊंगी गाइस। इसमें गाइस काफी सारा डेटा दे सकते हैं आप ऐसे कॉमा लगा लगा के, देखिए गाइस सारा डेटा उसने एक साथ कंबाइन कर दिया, यूज हो गया गाइस, एक साथ यूज हो गया। लेकिन गाइस अगर मुझे इस बीच में स्पेस चाहिए, जैसा कि यहाँ पे शो है कि मैं चाहती हूँ बीच बीच में स्पेस आ जाए, क्योंकि पूरा एक ही डेटा बन गया, एक ही टेक्स्ट बन गया, मैं चाहती हूँ बीच बीच में स्पेस भी आ जाए, तो गाइस इसी फंक्शन के अंदर आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। देखिए गाइस यहाँ पे हमने ले लिया ये टैब, और गाइस यहाँ पे गाइस आपको बार बार कंट्रोल यूज, यहाँ पे बार बार एरो, सॉरी सॉरी गाइस, आपको बार बार गाइस यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट डेटा आपका कॉमा के साथ यूज होगा। अगर आप डायरेक्ट कंट्रोल की प्रेस कर देंगे गाइस और डेटा चूज करेंगे तो कॉमा अपने आप लग जाएगा, कॉमा लगाने की आपको जरूरत नहीं है, बट फिलहाल हमें यहाँ पे अभी बीच में स्पेस यूज करना है तो इसके लिए हमें कॉमा ही लगाना पड़ेगा मैनुअली, ओके। तो हमने गाइस यहाँ पे कॉमा लगाया, अब इन्वर्टेड कॉमा लगा के स्पेस कर दिया और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, अगेन कॉमा लगाया गाइस, अगेन नेक्स्ट डेटा चूज किया, कॉमा लगा दिया, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्पेस और कॉमा लगा दिया गाइस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और यहाँ पे कॉमा, फिर नेक्स्ट ले लिया गाइस, यहाँ पे कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। देखिए गाइस स्पेस आ गया डेटा में आपके, अब ये स्पेस जहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाया है ना गाइस, अगर ये यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा की जगह कोई सिंबल लगा दूं तो गाइस वो सिंबल ही आ जाएगा बीच में। देखो गाइस यहाँ पे है, ये रहा, देखिए गाइस ये आ गया, लास्ट वाले में लगाने की जरूरत नहीं है, दो में लगाना था, मैंने लास्ट लगा दिया तो लास्ट को भी हटा दिया, लास्ट में वैसे भी मुझे ये वाला नहीं यूज करना, हम इसे हटा सकते हैं लास्ट में, ओके गाइस ये रहा, ये मैंने हटा दिया यहाँ से, लास्ट से इतना भी रख सकते हैं, ओके। तो देखिए गाइस ये यूज हो गया, ठीक है गाइस इस टाइप से भी हम इसे यूज कर सकते हैं, ओके। तो ये है गाइस आपका कॉनकनेक्ट फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन गाइस सेम इसी टाइप से ज्वाइन का भी होता है, अभी यहाँ पे आपने गाइस देखा, आपने मुझे पूरा एक एक करके सेल चूज करना पड़ा, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, लेकिन गाइस ज्वाइन जो फंक्शन होता है, ज्वाइन टैक्स, इसमें क्या होता है गाइस, आपको कोई भी नहीं करना, एक साथ चूज कर लीजिए डेटा, ये आपको एक साथ यूज करवा देगा। देखिए गाइस इक्वल लगाया और मैंने इसे ज्वाइन टैक्स लिखा, ज्वाइन टैक्स, ओके, ये भी टैक्स फंक्शन है गाइस। अब गाइज यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको गाइज यहाँ पे बीच बीच में स्पेस देना पड़ा, अब इसमें तीन नाम थे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तीनों में क्या करना पड़ा गाइज, आपको स्पेस के लिए बार बार इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो ज्वाइन फंक्शन होता है ना गाइज, इसमें क्या होता है, बड़ा अच्छा फंक्शन होता है। अब यहाँ पे देखिए गाइज ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है डेलिमीटर, डेलिमीटर मीन्स जो आप टेक्स्ट के बीच में चाहते हैं लगाना स्पेस कोई सिंबल, तो वो आप पहले ही दे दीजिए इसे। हमने इधर स्पेस दे दिया गाइस, पहले स्पेस दे दिया, कॉमा लगा दिया। अब गाइस दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है गाइस एम्प्टी, ठीक है ना, ट्रू बोल रहा है, ट्रू करना है आपको, इग्नोर एम्प्टी सेल। एम्प्टी सेल मतलब कि गाइस यहाँ पे जैसे कि बीच में खाली सेल है ना, किसी का नाम है, मिडिल नेम है नहीं, लास्ट नेम है, तो गाइस अगर मैं कॉनकनेक्ट फंक्शन यूज करती तो इस पर भी यूज करा देता है, तो हमें इसको भी कॉमा लगा के यूज करना पड़ेगा, मींस ये है, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या कह रहा है, अगर आपको एम्प्टी सेल को इग्नोर करना है गाइस, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रू लेना पड़ेगा,
अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो फॉल्स लिख दीजिए, फिलहाल हम एम्प्टी सेल को इग्नोर ही कर रहे हैं। तो हमने इसे टैप कर दिया गाइस, ट्रू आ गया, फिर कॉमा लगाया। अब आप अपना टेक्स्ट देना चूज कर लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। टेक्स्ट गाइस कुछ नहीं करना, पूरा टेक्स्ट एक साथ देना है इसे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कराना है। देखिए गाइस ये पूरा डेटा शो हो गया। अपने आप गाइस डेस्क डेलिमीटर जो हमने दिया था इसका, वो इसने पहले ही ले लिया और उसको डेटा के बीच में यूज करा दिया। अब ये डेलिमीटर के अंदर गाइस आपको कोई भी सिंबल देना है सेम आप दे सकते हो। आप स्पेस दीजिए, आप कॉमा लगाइए, आप डैश लगाइए, आप कोई भी सिंबल दीजिए, ये वो सभी सिंबल को यूज करेगा। ओके गाइस, तो इस टाइप से हम गाइस इसमें यूज कर सकते हैं डेलिमीटर। ओके, अब गाइस यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए गाइस, अब यहाँ पर गाइस एक है इसमें लेफ्ट और राइट फंक्शन। ओके गाइस, लेफ्ट और राइट फंक्शंस का मींस क्या होता है, जैसे कि मुझे यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है गाइस, मेरे पास फोन नंबर्स लिखे हुए उसके कोड के साथ, ठीक है ना गाइस। तो कोड के साथ लिखे हुए हैं फोन नंबर्स। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पर जो मैं फोन नंबर यूज करूँ, तो लेफ्ट का मींस होता है लेफ्ट से कितने कैरेक्टर आप शो कराना चाहते हैं, राइट से कितने कैरेक्टर शो कराना चाहते हैं। तो गाइस सिंपल सा फंक्शन है, छोटा सा। कई बार हमारे पास ऐसा डेटा आ गया और मुझसे बोल दिया भाई इसमें से इसके ये लगा डालिए, इसके डायल कोड हटाइए या डायल कोड शो करवाइए। तो हम इधर क्या कर देंगे गाइस, अब डेटा इतना ढेर सारा है तो हमें बार बार तो लगाना पड़ेगा, हटाते रहेंगे अगर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हम बार बार क्या करेंगे, उसको डेटा को यूज करते रहेंगे, उसमें से हटाते रहेंगे। तो अगर आप फंक्शंस के थ्रू यूज करते हैं तो गाइस हमने इधर लेफ्ट लगाया, सॉरी गाइस लेफ्ट, ठीक है ना, और ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ से ये डेटा मैंने चूज कर लिया। ओके गाइस, ठीक है, चूज हो गया डेटा। अब कैरेक्टर दीजिए, आपको कितने कैरेक्टर शो करने हैं, यानी कि 3 कैरेक्टर चाहिए। ओके देन एंटर, देखिए गाइस 3 कैरेक्टर आ गए। अब मैं इस फॉर्मूले को जैसे ड्रैग करती हूँ ना गाइस, तो लेफ्ट साइड के 3 कैरेक्टर शो करा देगा ये, देखिए गाइस सिंपल है, ठीक है ना, क्योंकि सारे मैटर्स में से मैंने लेफ्ट साइड के 3 कैरेक्टर लिए, तो लेफ्ट साइड के 3 कैरेक्टर शो करा देगा, ठीक है ना। ऐसे गाइस यहाँ पे राइट में है, सिंपल है, सेम है एज इट इज, वो लेफ्ट में यूज करा रहा है, ये राइट के यूज करा देगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, राइट लगाया गाइस, ब्रैकेट स्टार्ट, सेम यही मैटर लिया, राइट के कितने कैरेक्टर्स चाहिए, मैंने ये 4 कैरेक्टर शो कराने। ओके देन राइट के 4 कैरेक्टर्स आ गए गाइस, राइट साइड के 4 कैरेक्टर शो हो गए। ओके गाइस, तो ये शो हो गए। अब मैं चाहती हूँ दोनों चीज, कई बार गाइस आपने देखा होगा कि जब हमारे कोई भी हम पेमेंट वगैरह करते हैं तो स्टार्ट में क्या होता है, कुछ 3 कैरेक्टर या 4 कैरेक्टर शो होते हैं, लास्ट के 1 या 2 कैरेक्टर शो होते हैं, बीच का पूरा फोन नंबर क्या होता है गाइस डॉट डॉट में आता है, या बीच में कुछ डॉट डॉट दिखा देता है। ओके, तो गाइस यहाँ पर हम ऐसा ही यूज कर रहे हैं, दोनों ही फंक्शन एक साथ यूज करने पड़ते हैं गाइस यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमने यूज कर लिया, यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल लेफ्ट, लेफ्ट लगाया और लेफ्ट लगा के हमने ये मैटर ले लिया, ठीक है गाइस। मैं ये वाला ले रही हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ से लूंगी तो ये कोड डैश वगैरह ले लेगा, तो मैं इस वाले मैटर को ले रही हूँ, ठीक है गाइस, ठीक है ले लिया इसने। अब बोल रहा है गाइस इसमें वो दीजिए, आप इसे करेक्टर नंबर दीजिए। ओके, मैंने क्या 3 करेक्टर शो कराने, ठीक है। अब इसका अंदर गाइस एंड का साइन लगाइए, और एंड का साइन लगा के अब इसी के साथ आप इसमें राइट फंक्शन भी यूज कर दीजिए, राइट। ओके सॉरी गाइस, ये कुछ गड़बड़ हो गया, एंड का साइन लगा के अब हमने इधर राइट का फंक्शन लगाया, राइट, ब्रैकेट स्टार्ट, सेम टाइप से, सेम ये वाला टेक्स्ट दिया मैंने, कॉमा लगाया, मैंने क्या राइट साइड से इसके 3 लिए ना मैंने गाइस, इधर 4 ले लेते हैं, चलिए राइट साइड से मुझे 4 कैरेक्टर चाहिए, 2 ले लेते हैं, 2 लेना है, ठीक है ना। तो देखिए गाइस ये यूज हो गया, बट गाइस ये एक साथ आ गया, लेफ्ट साइड के 4 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर आ गए, राइट साइड के 2 आ गए। अब मैं चाहती हूँ इस टाइप से, जैसे ये शो हो रहा है बीच में डॉट आ रहा है, तो गाइस कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर आइए, जो आपने इधर एंड का साइन लगाया ना गाइस, इधर आप इसके बीच में स्टार स्टार लगा दी, सॉरी गाइस, ये जो आपका एंड का साइन लगाया गाइस, इस एंड के साइन के बीच में, ओके गाइस क्लिक करो और स्पेस दो, और गाइस यहाँ पे स्टार स्टार का साइन लगा दो, कितने स्टार आपको चाहिए, और अगेन एक और एंड का साइन लगा दीजिए गाइस,
देखिए गाइस, सॉरी गाइस, ये शो नहीं हुआ ये। ओके गाइस सॉरी, इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगाना था गाइस, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे आ रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा और फिर स्टार स्टार स्टार, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एक और एंड का साइन, ये यूज हो गया गाइस। ओके, तो इस टाइप से हम इसे शो करा सकते हैं, दोनों ही फंक्शन एक साथ यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, अब गाइस अगर आप यूज करना चाहते हैं यहाँ पर दो फंक्शन मिक्स करके, गाइस ये स्मार्ट वर्क चल रहा है। लेफ्ट राइट फंक्शन में ऐसे भी करा के छोड़ सकती थी, लेकिन इसको हम यूज कैसे करते हैं गाइस ये बता रहे हैं इसको, कि हम इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं और हम और तरीके से भी यूज कर सकते हैं। गाइस जरूरी नहीं है आपका पिन कोड 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, काफी भी हो सकता है। और जरूरी जरूरी भी नहीं है कि पिन कोड ही हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डेटा है। जैसे कि यहाँ पे मैं चाहती हूँ जो डैश के बाद वाला जो डेटा है, डैश है, ओके, डैश के बाद से कुछ जो डेटा है मेरा वो सेपरेट हो जाए। यानी कि अब मुझे जो डेटा सेपरेट करना है गाइस वो डैश से लेना है डेटा, कि डैश से डेटा मेरा सेपरेट हो जाए। अगर मैं लेफ्ट लगाती हूँ गाइस या लेफ्ट फंक्शन लगाती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया 3 कैरेक्टर लिखा गाइस, तो इसने क्या किया लेफ्ट साइड के 3 3 कैरेक्टर ले लिए। अब गाइस मुझे डैश से डेटा मूव करना है, हटाना है, जब हम डैश से डेटा हटाएंगे तो गाइस हम इसके अंदर लेफ्ट फंक्शन के साथ सर्च फंक्शन भी यूज करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम सर्च फंक्शन भी यूज करेंगे। अब सर्च फंक्शन या फिर हम फाइंड फंक्शन बोल सकते हैं, मीन्स एक ही है गाइस। अब इसे हमें यूज कैसे करना है गाइस, देखिए गाइस, अब हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक को लगाया और इससे लगाया हमने लेफ्ट, लेफ्ट लगाया। ओके, मैंने ये वाला टैग दे दिया गाइस, यहाँ पे कुछ जो है अलग अलग नंबर पर है, ठीक है, इसने ले लिया। अब यहाँ पे हमने इसको दे तो दिया, अब यहाँ पे जो नंबर है गाइस, अब देखिए गाइस कहीं पे तो ये डैश 3 नंबर के बाद आ रहा है, कहीं पर ये डैश 4 नंबर के बाद आ रहा है, कहीं पे 2 नंबर के बाद आ रहा है। अब वो जो नंबर का प्लेस है, मुझे डैश का जो प्लेस है वो मुझे फाइंड करना है कि डैश का प्लेस कौन सा है। तो यहाँ पे गाइस हम इसी के अंदर एक सर्च फंक्शन लगा देंगे, सर्च फंक्शन लगाया और गाइस अब इसके अंदर हमने क्या दिया, हमने इसको यही वाला टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। अब इसमें से इसे क्या करना है, क्या फाइंड कराना है, फाइंड, सॉरी गाइस, फाइंड देना है पहले हमें, फाइंड क्या कराना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे दे दिया डैश के, इसको डैश फाइंड कराना है। अब देखिए गाइस पूछ रहा है, फिर कॉमा लगा दिया विद इन टैक्स, विच टैक्स, मैंने क्या दिस वन, ओके दिस वन चूज कर लिया। अब गाइस आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ये इसका सर्च का ब्रैकेट क्लोज हो गया और ये फाइंड का क्लोज हो गया। अगर गाइस ले लिया तो गाइस देखिए ये शो हो गया, यानी कि उसने डैश तक का उसने प्लेस बता दिया कि डैश आपका कितने प्लेस पर है। और गाइस अब इसे यूज करेंगे ना तो देखो गाइस ये शो हो गया। ओके, लास्ट में गाइस ये वैल्यू नहीं है सही, तो इसलिए शो नहीं कर रहा, तो ये शो हो गया गाइस, ठीक है। अब गाइस इसमें देखो, अब मुझे जो नंबर चाहिए सिर्फ वो डैश नहीं लेना, मुझे मुझे सिर्फ वो नंबर नंबर चाहिए, तो अब मैं डैश कैसे हटाऊं, देखो नंबर नंबर लेना है क्योंकि मुझे डैश के पहले वाला डेटा लेना है, लेफ्ट वाला डैश नहीं इंक्लूड करना। तो गाइस इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर गाइस जब हमारा फंक्शन चल रहा है फाइंड फंक्शन हमने क्लोज कर दिया, उसके बाद जो मेरा लेफ्ट फंक्शन चल रहा है इसके अंदर -1 कर दीजिए गाइस, यानी कि एक माइनस करके दे, जब एक माइनस कर देगा वो तो आपका जो डैश है वो हट जाएगा। देखिए गाइस हट गया डैश, अब इसी फंक्शन को आप आगे कंटिन्यू कर दीजिए गाइस। तो अगर हम इसी फंक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये यूज हो जाएगा, जैसे ये आपका डेटा है। ओके, अब इस डेटा में से कोई मिडिल ऑफ डेटा उठाना है, सर्च में से हमने क्या किया था, कोई चीज सर्च कर रहे थे, शो करा रहे थे स्क्रीन पर। अब मिडिल डेटा में क्या होता है गाइस, मैं एक नंबर दे देती हूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर नंबर से डेटा उठाना है, ठीक है ना, 7 नंबर से, 10 नंबर से। तो हम यहाँ पे गाइस एक डेटा दे देते हैं, किस पर्टिकुलर डेटा से डेटा उठाना है और किस पर्टिकुलर डेटा तक डेटा उठाना है। तो हमने इधर इक्वल लगाया और मिड फंक्शन लगाया, ठीक है ना, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब मिड फंक्शन में हमने यहाँ पे टिक कर लिया,
देन इसने डेटा ले लिया। अब स्टार्टिंग बताइए गाइस, आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है गाइस? जैसे मैंने स्टार्टिंग करना चाहती हूँ फोन नंबर के बाद से, ठीक है ना। फोन में कितने कैरेक्टर है गाइस, कितने कैरेक्टर शो हो रहे हैं? 5 और एक स्पेस 6। और मुझे डेटा कहाँ से उठाना है? 7 से। तो मैं गाइस यहाँ पे 7 टाइप करूंगी। ओके, अब कहाँ तक लेना है गाइस आपको? अगर आपको फोन नंबर चाहिए, कोड के साथ फोन नंबर चाहिए, तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 कैरेक्टर तक मुझे शो कराने हैं। यानी कि पहला कैरेक्टर मेरा काउंट कहाँ से होगा गाइस? 7 नंबर से। ओके, और 9 तक क्या होगा? फिर वो काउंट होगा 7 नंबर, दैट्स माय फर्स्ट कैरेक्टर। तो 9 टाइप कर दिया, तो इधर क्या होगा गाइस? ये शो हो गया, देखिए आ गया ना। अब इसे ट्रैक कर देंगे तो ये क्या करेगा? उसको निकाल के दिखा देगा सारे। तो ये है गाइस मिड फंक्शन। आई होप गाइस आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज गाइस आप हमारा जाके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इसी टाइप के और अच्छे अच्छे एक्साइटिंग फंक्शंस चाहिए तो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।